नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA वॉज लॉन्च्ड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट इन पेरिस। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस अलायंस? ए द आइडिया ऑफ द अलायंस वॉज मूटेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू हार्नेस सोलर पावर एज अ मेजर स्टेप टू मिटिगेट कार्बन गैस एमिशंस। बी इट एम्स टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग एट द प्रेजेंट लेवल। सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलायंस इज टू ऑगमेंट सोलर पावर जनरेशन इन दीज कंट्रीज विद अ व्यू टू कंट्रीब्यूट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डी अलायंस वुड परस्यू कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग रेगुलेटरी बेस्ड इश्यूज बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज। नाउ द आंसर इज बी। सिंस वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, only the statement B is the incorrect one. That is, the International Solar Alliance is aimed to bring solar-rich 121 tropical countries located fully or partly between the Tropic of Cancer and Capricorn together to tap solar energy, not global warming at the present level. So, the correct answer is B. पेरिस में आयोजित जलवायु सम्मेलन के दौरान पार्टियों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन स्थापित किया गया। इस गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम इस प्रश्न को देखते हैं और पाते हैं कि केवल कथन बी को छोड़कर अन्य तीनों ही कथन सही हैं। ए, सी और डी कथन सही हैं, केवल कथन बी सही नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है बी।